Hello friends, welcome back once again. I am from Kalyan Academy. आज जो टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है माई बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग का जो इंटरव्यू होता है उसमें अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई बैंकिंग सेक्टर। बहुत सारे स्टूडेंट्स आता है और बोलता है कि सर ये जो क्वेश्चन है इसका एक्चुअल आंसर क्या होना चाहिए, कौन सा आंसर देना चाहिए कैंडिडेट को। तो मेरे को लगा या मेरे जो टीम है उसको लगा कि ये जो बैंकिंग वाई बैंकिंग सेक्टर इस क्वेश्चन का आंसर अगर हम लोग दे दें आप लोगों को तो शायद आप लोगों को फायदा होगा, इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। देखिए वाई बैंकिंग सेक्टर ये जो क्वेश्चन पूछता है बैंकिंग सेक्टर के लोगों ने इंटरव्यू में उसके पीछे कुछ रीजन रहते हैं। वो लोग देखता है कि आपको बैंक में नौकरी करने का कितना मन है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो सच्चाई बता देते हैं कि बैंक में नौकरी इसलिए करना चाहता हूं कि बैंक में सिक्योरिटी अच्छा मिलता है, जॉब सिक्योरिटी मिलता है। देखिए ये बात सच है, ये डिनाई नहीं कर सकते हैं, सच में बैंकिंग के जॉब में जॉब सिक्योरिटी तो है ही। लेकिन ये आप अगर इंटरव्यू में बोलेंगे तो आपको वो नौकरी नहीं मिलने वाला। क्यों? क्योंकि ये उन लोगों को भी पता है कि आप यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी के लिए आए हो। एक पॉइंट तो है कि जॉब सिक्योरिटी के लिए बहुत सारे कैंडिडेट्स आजकल बैंकिंग के नौकरी में आए हैं, लेकिन वो आपको बोलना नहीं चाहिए जॉब सिक्योरिटी के बारे में। आपको क्या बोलना चाहिए, आपका आंसर क्या होना चाहिए वो मैं बताता हूँ। दो पॉइंट, पहला आंसर तो ये होगा, पहला एक आंसर ये दे सकते हैं कि बैंक प्लेस अ मेजर रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ अ इकोनॉमी और अदर इन अ कंट्री। बैंक एक रोल प्ले करता है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए और उसका इकोनॉमिक और डेवलपमेंट के लिए, और मैं उस डेवलपमेंट के लिए डेवलपमेंट में भाग लेना चाहता हूँ, उस डेवलपमेंट का हिस्सा बनना चाहता हूँ, इसीलिए मैं बैंकिंग का जॉब करना चाहता हूँ। ये हो गया एक आंसर, ये जवाब आप दे सकते हैं तो आप उन लोगों को लगेगा कि हाँ सच में आपके अंदर बैंकिंग में काम करने का मन है। दूसरा एक और आंसर दे सकते हैं, देखिए बैंक एक ऐसा जगह है जहां पे हर एक सेक्टर का आदमी आता है, चाहे वो इंश्योरेंस का हो, चाहे वो रियल एस्टेट का हो, चाहे वो कुछ अलग प्रोफेशन का हो, कोई भी सेक्शन का लोग हो, कोई भी सेक्टर का लोग हो, कोई भी सेक्टर का प्रोफेशनल हो, वो लोग आते हैं बैंक में लोन लेने के लिए। अब बैंक में लोन लेने के लिए जब आते हैं तो आपको उन लोगों के बिजनेसेस के बारे में पता चलता है कि उन लोगों का बिजनेस कैसे काम करता है, ओवरऑल बिजनेस कैसे काम करता है, ओवरऑल इंडस्ट्री कैसे काम कर सकते हैं। मान लीजिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से कोई आया आपके पास लोन लेने के लिए, तो आपको पता चलेगा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कैसे काम कर सकते हैं। बैंक एक ऐसी जगह है जहां पे आपको हर सेक्टर का नॉलेज मिलेगा और कहीं नहीं हर सेक्टर का नॉलेज नहीं मिलेगा। तो ये भी एक आंसर आप दे सकते हैं कि बैंक में डिफरेंट सेक्टर का आदमी आता है लोन लेने के लिए, वहां से नॉलेज मिलता है हर एक सेक्टर के कैसे काम होता है उसके बारे में आपको अच्छा खासा जानकारी मिल जाता है। तो ये भी आप कह सकते हैं कि हर एक सेक्टर में काम कैसा होता है वो जानने का चाहत है मेरे में, तो हम इसीलिए बैंकिंग का नौकरी करना चाहते हैं। तो ये दो आंसर आप दे सकते हैं कि डेवलपिंग इकोनॉमी एंड एक्सपीरियंस ऑफ डिफरेंट सेक्टर। तो ये दो आंसर अगर आप देंगे तो ये दो जो आंसर है ये आंसर को सिक्योरिटी वाला से थोड़ा अलग आंसर होगा, ये आंसर उन लोगों को भी शायद पसंद आएगा और आपका इंटरव्यू भी अच्छा जाएगा, यही उम्मीद करते हैं। ये आज का टॉपिक था वाई बैंकिंग सेक्टर। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताइए कि हम लोगों को कौन से टॉपिक के ऊपर नेक्स्ट वीडियो बनाना चाहिए ताकि आपका बहुत मदद हो। थैंक यू वेरी मच।